दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग धन्वंतरी जयंती पे एकत्रित हुए हैं। मदन मोहन मालवीय भवन, ये दीनदयाल उपाध्याय पे सिचुएटेड है। मेरे साथ सुदेश चड्डा जी हैं और बीडी गुप्ता जी हैं। बीडी मित्तल सर, तो बीडी मित्तल जी अपना परिचय देते हुए, जो आपकी संस्था इंद्रप्रस्थ है, उसके थोड़ा सा आप बताएंगे धन्वंतरी जयंती के बारे में। धन्वंतरी जयंती हम हर साल मनाते हैं और इसमें सबसे अभी फिलहाल जो जयंती मना रहे हैं उसमें चड्डा जी, सुदेश चड्डा जी का विशेष योगदान है। बाकी तो हमारे राजेश जी हैं, उमेश जी हैं, कपिल सेठ हैं और अन्य सारे कार्य के हैं लोग भी, उनका भी योगदान है। और साथ में जो निर्माताओं ने हमारे को आयोजन करने के लिए सहयोग दिया, आर्थिक सहयोग दिया है, उनमें मेन चार कंपनी हैं। एक तिरुपति फार्मेसी, एक मुल्तानी फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक भूषण फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक बायोकैम। धन्यवाद। सुदेश जी, थोड़ा सा आप जानकारी देंगे धन्वंतरी जयंती के बारे में और फिर आपके जो अभी हम लोग आयुष के मंत्री जी, उनके भी। भगवान धन्वंतरी की जय। पूरे विश्व को मानवता के नाते हर एक को स्वस्थ रहने का भगवान धन्वंतरी के माध्यम से इंद्रप्रस्थ आयुर्वेदिक धन्वंतरी जयंती का कार्यक्रम कर रही है। ये संस्था 2003 से आरंभ है। हमारे अध्यक्ष बीडी मित्तल जी 2013 से है। इनके कार्यकाल में पूरे व्यापारी भाइयों को आयुर्वेदिक, जितने भी अपने व्यापारी और आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, इनको एकत्रित करने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया, उसके माध्यम से पूरे दिल्ली स्तर पर हम इस योजना को, धन्वंतरी भगवान के कार्यक्रम को ले जा रहे हैं। जैसे आपको मालूम है, पूरे विश्व में आयुष मंत्रालय जो धन्वंतरी आयुर्वेदिक माध्यम से पूरे विश्व की जो GDP है उसमें हम अपना शेयर रखना चाहते हैं। भारत की GDP, मोदी जी का लक्ष्य है कि आयुर्वेदिक लोकल वो वोकल स्वदेशी के माध्यम से पूरे हमारी GDP का एक पार्ट, अच्छा पार्ट इसका उनका GDP में आयुर्वेदिक का होना चाहिए। पूरे विश्व को हम दिए, बाबा रामदेव के माध्यम से हमने GDP में विदेशों में हमारी इस काम किया, बहुत इनकम हुई है, विदेशों से हमें विदेशी यानी धन प्राप्त हुआ है। उसी माध्यम से मोदी जी का लक्ष्य है कि अपने पूरे विश्व के अंदर आयुर्वेदिक के माध्यम से पूरे विश्व को हम दिशा दें। योगा के माध्यम से 192 देशों ने हमें एक्सेप्ट किया है, इसी प्रकार आयुर्वेदिक के माध्यम से, जैसे यहाँ की तुलसी है, हल्दी है, हम यहाँ की तुलसी माता मानते हैं, लेकिन विदेश में अमेरिका उसको पेटेंट कराता है, हल्दी को पेटेंट कराता है। इस 2014 के बाद में हमने दोनों ही जो पेटेंट कराए थे उनको कैंसिल कराया है कि तुलसी और हल्दी तो हमारी उपज है, हमारे माध्यम से पूरे विश्व को दी गई है। तो इसलिए हमारा इस धन्वंतरी जयंती को जितने भी दिल्ली के व्यापारी और मैन्युफैक्चरर्स आयुर्वेदिक के आए हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत। मैं अब तिरुपति से जगदीश जी को बुलाऊंगा, वो 2 मिनट आए। जगदीश जी, आपको स्वागत है। आप दो शब्द बोलेंगे इसके बारे में। श्रीमान जगदीश जी, तिरुपति फार्मेटिकल से हैं। आप लगभग 14 साल से आपकी कंपनी है आयुर्वेदिक को प्रमोट करने के लिए, हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे उस माध्यम से इसका नाम क्या आपका योगदान रहता है आयुर्वेदिक में। मैं जगदीश से आग्रह करूंगा 2 शब्द शुभकामनाएं धन्वंतरी जयंती पर। धन्वंतरी जयंती पर सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी कंपनी तिरुपति फार्मेसी ने 14 साल से हम एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कई जैसे हमारा जीवन शक्ति कैप्सूल है, रोमेटिक केयर कैप्सूल है और युवा पुरुष कैप्सूल है। ये एक सभी स्वास्थ्य के लिए हम ये कैप्सूल बनाते हैं और मुझे उम्मीद है आप सबका साथ रहेगा तो हम और भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मैं अपने कोषाध्यक्ष श्रीमान राजीव से आग्रह करूँगा, वो आपके शुभकामनाएं दें। राजीव गुप्ता जी, आप कंपनी के फाउंडर, इस संस्था के फाउंडर मेंबर हैं और आपके माध्यम से और हमेशा आपका चिंतन रहता है कि किस प्रकार आयुर्वेदिक को प्रमोट किया जाए। आपकी शॉप आयुर्वेदिक की पुरानी शॉपों में से गिनी गई है। मैं राजीव से आग्रह करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन भी करें और शुभकामनाएं भी दें। धन्यवाद सुदेश भाई साहब। आयुर्वेद जिस तरह से बढ़ रहा है, आप धीरे धीरे सभी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, चाहे वो USA है और यूरोपियन कंट्रीज हैं, रशियन है, रशिया तो पहले से ही इसको काफ़ी कुछ मानता है, लेकिन अब सब लोगों ने एक तरह से आयुर्वेद को वहाँ पहुँचाने के लिए रास्ते लेने शुरू कर दिए हैं। हमारी संस्था 2003 में बनी थी,
और तब से हमारा प्रयास यही है कि आयुर्वेद हर जगह पर पहुंचे, दिल्ली हो या पूरे भारत में, इस तरह से हम जो है कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। अपने श्रीमान राजेश जी हमारे जो चेयरमैन हैं, श्रीमान राजेश जी जय धन्यवाद जी। समुंदर मंथन के समय भगवान आयुर्वेद धन्वंतरी जी की उत्पत्ति हुई थी, जिससे आयुर्वेद का स्टार्ट हुआ था। जब सब धन्वंतरी जयंती मनाते आ रहे हैं और इस साल हर साल की तरह धन्वंतरी जयंती मना रहे हैं, और हमारी एसोसिएशन का यही प्रयास रहे कि आयुर्वेद को जितना बढ़ा सके उतना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के प्रयास में हम कार्य करते रहते हैं। जय धन्वंतरी जी। ये कार्यक्रम ANI के माध्यम से कई चैनलों पर ये प्रसारित होगा। मैं इस मीडिया टीम का आभार प्रकट करता हूँ। अपने बीच में श्रीमान राजेश गुप्ता जी, जो इस संस्था के फाउंडर मेंबर हैं, पूरे समय आपका ध्यान आयुर्वेदिक को प्रमोट करने के लिए रहता है। किस प्रकार आयुर्वेदिक के जो व्यापारी हैं, जो आयुर्वेदिक के उपभोक्ता हैं, उनका किस प्रकार उनकी हित देखा जाए, उसके लिए मैं श्रीमान राजेश गुप्ता जी से आग्रह करूँगा, जो हमारे चेयरमैन भी हैं, इस धन्वंतरी जयंती पर हम सबको शुभकामनाएं दें। श्रीमान राजेश गुप्ता जी, श्री धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में आपको आप सब व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ सब व्यापारी भाई आगे धन्वंतरी पूजा बनाया करें। धन्यवाद राजेश जी। मैं प्रभु मित्र से आग्रह करूँगा कि बताएं, आप हमारे संरक्षक हैं, आइए आइए, कोई बात नहीं। व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ सब व्यापारी भाई आगे धन्वंतरी पूजा बनाया करें। धन्यवाद राजेश जी। मैं प्रभु मित्र से आग्रह करूँगा कि बताएं, आप हमारे संरक्षक हैं, आइए आइए, कोई बात नहीं। भाई साहब का हमेशा हमारे में आशीर्वाद रहता है, इनके मार्गदर्शन पर ही चल के हम पूरा ये कार्य कर पाते हैं, इनकी प्रेरणा से ही। आप हमारे फाउंडर मेंबर में से हैं श्रीमान प्रभुदयाल जी। धन्वंतरी जयंती की सब मिलके जय, धन्वंतरी जयंती की जय। और ये संस्था 2003 से चल रही है, और उस समय हमारे फाउंडर मेंबरों में यूनाइटेड वाले पारिक साहब हुआ करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, और उन्होंने और राजीव जी ने सब ने मिलकर इस संस्था को आगे पहुंचा है उसके लिए, और अब BD मित्तल साहब पहुंचा रहे हैं उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं, और आगे सबसे प्रार्थना है कि इसमें सहयोग दें। धन्यवाद। मैं अपने बीच में श्रीमान कपिल सेठ से आग्रह करूंगा, 2 मिनट आए अपनी शुभकामनाएं दें। ये हमारे सह महामंत्री हैं श्रीमान कपिल जी। सुदेश चड्डा जी का धन्यवाद, मुझे अवसर दिया सुदेश चड्डा जी ने, और ANI के माध्यम से जो हमारे संदेश पूरे मीडिया के थ्रू जा रहे हैं आगे, उसमें हमारी संस्था के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारी संस्था और संस्था के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन सबका ये प्रयास रहता है कि एक सामंजस्य व्यापारियों के बीच में, कंपनियों के बीच में, और जो उपभोक्ताओं के विचार आते हैं, समस्याएं आती हैं, वो कंपनियों तक पहुंचाना, उसको हमने एक सामंजस्य बना के रखना होता है उसके लिए। और आयुर्वेद जो कहा जाता है वो लाइफ साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है, जिसको अब विश्व पटल पे जब से योगी अपना मोदी जी आए हैं, तब से 2014 से उन्होंने एक स्वतंत्र आयुष मंत्रालय बना करके इसके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ावे का प्रयास करा है। और अभी हाल ही में मोदी जी ने जो एक जिसे कहना चाहिए गहरी चोट विश्व पटल पे की है आयुर्वेद के लिए, वो G20 का जो सम्मेलन हुआ उसमें आयुर्वेद को दिखाने के लिए कि आयुर्वेद क्या है, जहाँ 195 कंट्रीज़ के फॉरेन डेलीगेट्स आए थे 2000 के करीब, और 195 विदेशियों ने, मतलब विदेश के जितने भी देश थे उन्होंने पार्ट लिया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पर आयुर्वेद को उन्होंने उनके सामने रखा, जिसमें महर्षि आयुर्वेद, मुल्तानी और हिमालया 3 कंपनियों का स्टॉल वहाँ पर स्पेशली उन्होंने
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे करके लगवाया। वहाँ पर जितने भी डेलीगेट्स आए थे उसमें से कुछ डेलीगेट्स का नाड़ी परीक्षण करवाया, नाड़ी निदान, पल्स डायग्नोसिस। तो उस पल्स कहाँ से चल रही हैं। तो अब आयुर्वेद का भविष्य हम उज्ज्वल देख रहे हैं और आने वाले समय में अगर भगवान धन्वंतरी जी की कृपा रही और सबके प्रयास रहे तो विश्व पटल पे एक पैरेलल पैथी जो अभी तक एलोपैथ के नाम से चल रही है, तो आयुर्वेद पैरेलल पैथी बन करके उभरेगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आग्रह करूँगा श्रीमान राजेश खोसला जी से, आप आए और शुभकामना दें। अभाव कैंप के माध्यम से ये कार्यक्रम के स्पॉन्सर भी हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि इसका आप आयुर्वेदिक जगत से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, आप बैद्यनाथ हुए, कई कंपनियों के मार्गदर्शक भी रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा ये जी से कि आप हमारा मार्गदर्शन करें और धन्वंतरी जयंती पर शुभकामनाएं दें। श्रीमान राजेश जी, धन्वंतरी भगवान की जय। तो
अपने सब पुराने साथियों के साथ आज पुराना मिलन फिर से हो गया है देख के। और ये संस्था मुझे अच्छी तरह याद है, जब शुरू हुई थी राजेश जी ने बहुत इसमें प्रयास किया, राजीव जी ने किया, और एक पहला प्रोग्राम मैं क्या हिंदी भवन में किया था आपके इधर ही दीनदयाल पार्क में ही, तो वहाँ काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। और उसके बाद से हमारा सब इकट्ठे जुड़े हैं, आयुर्वेद की जो भी नई कंपनियाँ आई पुरानी कंपनियों को आगे बढ़ाया गया और साथ साथ बढ़ते रहा। आज मेरे ख्याल आयुर्वेद इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी आगे बढ़ गई है, ओवर जो 5-6 साल पहले 7,000 करोड़ के करीब थी आज 15,000 करोड़ पे ये पहुंच गई है। तो आगे इसमें नए नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, आप देखोगे एलोपैथिक वाले भी काफ़ी आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और जो पहले कहा जाता था आयुर्वेद अगर आप फॉलो करोगे तो बीमार ही नहीं पड़ोगे, तो उस चीज़ की पैथी आज नई जनरेशन देख रही है क्योंकि ये जो शुगर फ्री चीज़ें बन रही हैं सब चीज़ें एक हमारे आयुर्वेद में, जबकि शुगर काफ़ी यूज होती थी, पर नई चीज़ें आ गई शुगर, ये नई साइंटिफिक चीज़ें होने के साथ साथ, तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह चलती रहेगी आयुर्वेद। और मैं पिछले 40 साल से आयुर्वेद के साथ ही जुड़ा हूँ और होप करता हूँ कि आगे भी और 10-15 साल आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। थैंक यू। जो हमारी आयुर्वेदिक की शॉप पहाड़गंज में है वो 1932 की, जबकि सबसे पुरानी शॉप है पहाड़गंज में। मैं अब इस कड़ी के अंदर हमारे बीच में ओजोन से मोहम्मद शाहिद, उनसे मैं आग्रह करूंगा आप दिल्ली का कार्य देखते हैं, 2 मिनट के लिए शुभकामनाएं दें। थैंक यू चड्डा साहब, धनवंतरी जयंती पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमें खुशी है कि हम ओजोन पार्टिसिपेट किया आप लोगों के प्रोग्राम में, क्योंकि ओजोन आयुर्वेदिक जब लॉन्च हुआ था तो उसमें आज के डेटेड में जो कॉस्मेटिक्स कंपनीज कॉस्मेटिक्स में या मेडिसिन में है, ओजोन ने कोशिश करी अपना आगे बढ़ाने पे, तो उसी उपलक्ष्य में हम भी आए हैं और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं। एज ए प्रोफेशनल अगर जब हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में आयुर्वेद कहाँ तक जा सकता है, उल्टा एलोपैथ से इवन मॉडर्न मेडिसिन से लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सेफ, और ये चीज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड है। और इस चीज़ में हम आप लोगों के साथ जुड़ के ओजोन के जो भी प्रोडक्ट हैं हम भी चाहेंगे कि हम भी योगदान दें, और इस तरीके का प्रोग्राम जो होता है हम चाहेंगे कि आप भी आगे भी हम आपके साथ जोड़ें। धन्यवाद। आप एक बार रुकिएगा तो मैं जोड़ना चाहूँगा, ओजोन जो कंपनी है पिछले दिनों उनका प्रोग्राम हुआ था, आपके जो फाउंडर हैं मिस्टर साइकिल वो इनफैक्ट में जैसे अब्दुल कलाम साहब हैं, इस तरह से उनकी पर्सनैलिटी है। और उनके जो ओजोन से हम लोग जब मिले तो उन्होंने हमें कुछ प्रोडक्ट दिए थे पेन रिलीफ के लिए, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ओजोन एक आई थिंक मोस्ट साइंटिफिक वे में काम कर रही है और काफ़ी बड़ी कंपनी है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। सो ओजोन का स्वागत है। इसी में आगे बढ़ाऊंगा, अभी हमने 2 साल पहले क्विक पेन रिलीविंग ऑयल हमने लॉन्च किया था, इसके अंदर क्लासिकल ऑयल्स के साथ किया था। इसकी शुरुआत कैसे करी हम, जगन्नाथपुरी में जब यात्रा शुरू हुई 2023 जून में, हम वहाँ से स्टार्ट किया और वहाँ हमने 1,00,000 सैंपल से ज़्यादा बांटे। उसके रिलीफ को उसके रिस्पांस को देखते हुए कि हमने एक स्ट्रेटजी रखी, जितनी भी धार्मिक यात्राएं हुई हैं चाहे वो अमरनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, कांवड़ सेवा, उज्जैन, खाटू श्याम, कहीं भी है, तो मेरे पास जो टीम है जिस तरीके की मैं यूनिफॉर्म पहने हूँ, मेरी टीम ऐसे यूनिफॉर्म पहन के आज भी कहीं ना कहीं एक्टिविटी करती है। मोर देन 100 से ज़्यादा हेडक्वार्टर्स पे लड़के ये एक्टिविटीज़ वीकली बेसिस के ऊपर करते हैं। और जैसे बताया कि मिस्टर सेगल का है, उनका ओजोन का है, बिकॉज लाइफ इज प्रीसियस, जो टैग लाइन है वो अपने आप बताती है कि मूल बहुत जीवन बहुत मूल्यवान है। इसके अंदर कोशिश यही करी, इवन कॉस्मेटिक्स में भी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, इवन जो फॉर्म है हमारा USFDA अप्रूव फॉर्म है, और ऑर्गेनिक और हर्बल्स के अंदर हम काम कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, और उसको कोशिश यही है कि हर्बल एंड आयुर्वेदा को जितना आगे जा सके उतना अच्छा है। और एक मुहिम है, दर्द बांटो नहीं दर्द मिटाओ, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं जिसका आपने नाम लिया। धन्यवाद। मैं आखिर में अभी जोड़ना चाहूंगा कि हमारे बीच में जो आयुष राज्य मंत्री है प्रताप राव यादव जी, उनका आने वाले हैं वो, और पिछले वर्षों में 8-10 वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि विज्ञान भवन पे बहुत प्रोग्राम हुए हैं,
आयुष मंत्रालय द्वारा, जिसमें वैद्यराज राज कुटेचा जी जो सेक्रेटरी आयुष के, उनका और प्रधानमंत्री का काफ़ी योगदान रहा है। और अभी तो शायद जो इंश्योरेंस में भी आयुर्वेद को मान्यता मिल गई है, तो अब उसके अंदर अगर आप ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक कराते हैं तो आपको वो इंश्योरेंस में मेडिकल क्लेम में आप उसको कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी आप सुधीश जी को। मैं समय को देखते हुए संजय भाई और उनके साथी का आभार प्रकट करता हूं और उनसे आग्रह करूंगा कि आप थोड़ी देर रुक के जाएं। मुझे मालूम है कि आपने पार्लियामेंट के कार्यक्रम में जाना है, मैं कम से कम हमारे कार्य को कवर करके उसके बाद ही आप जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप दूसरी टीम भेजिए। और मैं आगे करूँगा, बहन प्रवीण शर्मा जो हमारी सनातन परिवहन सेवा की ब्रांड एम्बेसडर है, दिल्ली के 3000 मंदिर हैं, आप 3000 मंदिर की ब्रांड और सनातन धर्म के माध्यम से ही आप विदेशों में, आपका सौभाग्य रहेगी आपको शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, ओबामा जी के आपके आगे आपको भजन गाने का मौका मिला था, मैं बहन प्रवीण शर्मा जी से आगे करूँगा भजन और संस्कृत कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहन प्रवीण शर्मा जी धन्यवाद। Thank you.